Please sit down. Please sit down. Thank you, sir. आपको तो देखा है पहले भी. Well, Gagan Singh Meena, you are a civil engineer. Yes, sir. And are you employed somewhere? Yes, sir. Where? Sir, जो last year sir मेरा IPS में चयन हुआ था. अच्छा अच्छा है ना. Now I remember. I think I have seen you earlier also. Okay, so you are an IPS. You want to move to which service? IAS you want to move. Sir. Okay, our best wishes are with you. Thank Since you are a civil engineer, let me ask you, what in your opinion? Seeing the Josimath. Appropriate development model for an eco-sensitive hilly areas, what could be? Yes. Let me see. Sir, इसके अंतर्गत हम अच्छा सॉरी आप हिंदी में थे मैंने नहीं कहा ठीक है हिंदी में क्या हो सकता है एक विकास का मॉडल जो सर जैसे जोशीमठ जैसी जगह है वहाँ की जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी सर काफ़ी ज़्यादा कम है इसलिए हम जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार वहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सकते हैं वहाँ पर जो मटेरियल है उस मटेरियल के लिए हम जो लाइट वेट मटेरियल उपयोग कर सकते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की जगह हम वन स्टोरी पर टू स्टोरी बिल्डिंग बना सकते हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटी है उनको वहाँ पर प्रतिबंधित कर सकते हैं इसके साथ साथ ही जो डेवलपमेंट कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जैसे रेल का रोड का उसमें कुछ टेक्निक यूज की जाती है जैसे ब्लास्टिंग जैसी तकनीकी है तो उन सब को भी हम रोक सकते हैं और भी जगह ऐसी खबर आ रही है हिल स्टेट पर कुछ कुछ हो रहा है तो अगर मैं कहूँ एज एडमिनिस्ट्रेटर भी आप अगर होते हैं आप कोशिश करेंगे कि साहब टूरिज्म को बिल्कुल बैन कर दिया जाए ऐसे हिल स्टेट्स में उनकी सारी टूरिज्म के कारण ही वहाँ घर बन रहे हैं होटल बन रहे हैं रोड्स बन रहे हैं तो अब अपने हेरिटेज को बचाने के लिए क्या ये विचार हो सकता है कि टूरिज्म को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए ऐसे जगहों पर सर मैं इससे थोड़ा अलग मत रखता हूँ हाँ प्लीज़ सर सर जैसे डेवलपमेंट और सर जो पर्यावरण है दोनों साथ साथ चल सकते हैं इसमें हम सर सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं जैसे सर हम प्लास्टिक के ऊपर बैन लगा सकते हैं वहाँ पर जो घर है उनकी स्ट्रक्चर में हम बदलाव कर सकते हैं इसके साथ साथ ही जो वहाँ पर लोग जो रहते हैं और जो लोग वहाँ पर पर्यटन के लिए जाते हैं उन सब के जो बिहेवियर में भी हमको परिवर्तन करने की आवश्यकता है जैसे इस प्लास्टिक का उपयोग ना करें या फिर वहाँ पर किसी टाइप की जो गंदगी है ये सब ना फैलाए और इसके साथ जो डेवलपमेंट एक्टिविटी है उनमें भी हम पर्यावरण के जो नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े तो सर हम जो बोलते हैं कि प्रगति और प्रकृति इन दोनों के बीच में समन्वय बना सकते हैं आपने अभी विश्व वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम सुना होगा जी सर हाल में इसकी बैठक भी हुई है ये क्या चीज़ है यहाँ क्या होता है इस बार की बैठक के एजेंडा क्या थे मुख्य बिंदु क्या थे कौन लोग मुख्य रूप से उसमें भाग लेने वाले थे सर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक तरीके से थिंक टैंक है और इंटरनेशनल एनजीओ की तरह ही काम करता है ये विशेष रूप से जो विश्व के संबंध में जो इकोनॉमिक सेक्टर में वर्तमान में क्या क्या चुनौतियां हैं तो दावोस में जो समिट होती है इनके संबंध में वहाँ पर चर्चा की जाती है वर्तमान समय में जो मुख्य मुद्दा था वैश्विक स्तर पर रिसेशन आना कोविड के बाद इकोनॉमी का रिवाइवल होना और ग्लोबल सप्लाई चेन को और ज़्यादा बेहतर करना ताकि जो विश्व में कोविड महामारी हो या फिर रूस यूक्रेन जैसा इन्वेजन हो इनके माध्यम से जो महंगाई बढ़ना हो रिसेशन जैसी समस्या है ये ना आए आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा इनमें अभी हम लोग यहाँ क्या क्या चिंताएं हैं इनके लीगल और रेगुलेटरी जो है इनके संबंधित हैं फ्रेमवर्क इसमें हमारे सामने क्या क्या कंसर्न्स हैं ये बताइए क्यों इन पर थोड़ी सी हम लोग निगाह रखना चाहते हैं सर पहला तो जो क्रिप्टो करेंसी है ये कोई लीगल एसेट नहीं है और कोई लीगल टेंडर नहीं है इसके बैकएंड में किसी टाइप का कोई एसेट नहीं है इसको सर किसी भी बैंक के द्वारा वर्तमान में जारी नहीं किया जा सकता इसलिए ये अनरेगुलेटेड है सेकेंड सर इसके माध्यम से जो टेरर फंडिंग है या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम है उनको सबको भी बढ़ावा मिल सकता है और सरकार का या फिर जो केंद्रीय बैंक है उनका रेगुलेशन ना होने की वजह से जैसे महंगाई को कंट्रोल करना हो तो सरकार जो केंद्रीय बैंक मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से जो सप्लाई डिमांड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ ही इसकी माइनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है तो जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी बढ़ावा दे सकती है तो सर इसके माध्यम से जो सिक्योरिटी फ्रंट से इसमें अनस्टेबिलिटी के माध्यम से और एनवायरमेंट ये तीनों चिंताएं शामिल हैं गगन यस आप मुझे प्रोजेक्ट गगन और मिशन गगन यानी
सर जो प्रोजेक्ट गगन था वो जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम था। इसके माध्यम से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा जो जीपीएस की डेटा में और ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और सर जो गगनयान मिशन है उसके माध्यम से इसरो भारत के नागरिकों को अंतरिक्ष में भेजेगी। ये वुमेन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। इसके काफी सारे जो कंपोनेंट हमने अभी प्राप्त कर लिए और कुछ को प्राप्त करने की दिशा में भी अग्रसर है। गगन, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में जानते हैं जी सर, उसका आम जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस? सर वैसे तो जो इमेजिनरी नंबर है उनको हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको मैथमेटिक्स में किसी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सर हम वर्तमान समय में भी हम जैसे इमेजनरी सिस्टम है कि उनको हम इमेजन नहीं कर सकते, ऐसे भी हमारी जो कल्पनाएं है वो भी काफ़ी ऐसी होती है कि जो भारी दुनिया से संबंधित होती है। तो सर उस तरीके से हम जो हमारी इमेजन है फिर हमारे जो ड्रीम्स है वो कहीं ना कहीं वो इमेजनरी संख्या की तरह ही होते हैं। ठीक है, भारत और नेपाल के संबंधों का क्या भविष्य रहेगा? वैसे तो सर जो नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश भी है, हमने उनके साथ शांति और मित्रता की संधि भी की है। हालांकि जो दोनों देशों के बीच में संबंध एक तरीके से रोटी बेटी स्टाफ का रिश्ता है। भारत वहाँ पर काफ़ी सारे अपनी लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रदान करता है। हालांकि सर कभी कभी कुछ चुनौती और जो इश्यू इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मधेशियों का मुद्दा हो या फिर इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स हो या फिर दोनों के बीच में सीमा विवाद जैसे काला पानी और जो लिफुलेख संबंधित था, ये सर इसमें कुछ मैंने इश्यू किए। क्या आप क्या भविष्य कैसा रहेगा दोनों का, क्योंकि अभी लीडरशिप भी वहाँ पे चेंज हुई है आपको पता है, तो क्या देखते हैं आप कि चाइना वहाँ पे क्या करने की कोशिश करेगा, चाइना का नेपाल में क्या इंटरेस्ट है, भारत का क्या है, नेपाल का क्या है, उन चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप भविष्य बताने की कोशिश करेंगे किस तरफ ये टाइज जाएंगी, क्या हमें करना चाहिए नेपाल के प्रति, क्या नेपाल हमसे आशाएं रखेगा? सर जैसे जो नेपाल है भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम करता है। चीन ने भी अपनी जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत वहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। वर्तमान की जो गवर्नमेंट है वो भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं विचारधारा चीन की और नेपाल की जुड़ी हुई है। हालांकि सर भारत सरकार का भी एक कमिटमेंट रहा है कि हम नेपाल में हर संभव मदद करेंगे, वहाँ का सा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, रेलवे के प्रोजेक्ट हो या फिर जो सर इनका डेफिनेट थर्मल पावर प्लांट हो, ये सब आपको व्हाट्सएप के द्वारा वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। और सर मैं दोनों देशों का भविष्य अच्छा देखता हूँ। भारत की जो नेवा रोड फर्स्ट की नीति है या फिर जो गुजरात डॉक्ट्रिन है वो हमारे पड़ोसी देशों से कुछ अपेक्षा किए बिना हम उनको हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं, चाहे जैसे नेपाल में भूकंप आने के बाद उनकी हमने सहायता की हो या फिर वर्तमान में लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से उनकी सहायता की हो। पाकिस्तान में भी जो आर्थिक संकट चल रहा है उसके पीछे क्या कारण देखते हैं? सर इसके पीछे सर काफी ज्यादा कारण है। जैसे सर जो चाइना से उन्होंने काफ़ी सारा डेट लिया था और डेट को अभी चुका पाने में वो असमर्थ है, तो इसके कारण वहाँ पे जो उनकी इकोनॉमी है उसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, इसलिए बाहर से लोन लेना उनका मुश्किल हो गया था। दूसरा सर जो उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट था वो इतना रोबस्ट नहीं था, तो उसकी वजह से उनका सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन भी हुआ और उससे महंगाई भी बढ़ने लगी। तीसरी समस्या सर जो पाकिस्तान में जब बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से जो उनकी खाद्यान्न सामग्री थी इनके ऊपर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा, तो इससे जो खाद्य संकट वहाँ उत्पन्न हो गया और वर्तमान में जो महंगाई 20% से भी ज़्यादा वहाँ पे है। और सर चौथा वहाँ की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, सरकार के द्वारा पॉपुलिस्टिक स्कीम चलाना, लोन रेट को कम करना, ब्याज दर को भी कम करना, तो इन सब का और टैक्स रेट भी सर कम कर दी थी, तो जो सरकार को जो रेवेन्यू था वो कम हो गया था, इन सब का मिला जुला प्रभाव ताकि जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक भी अनस्टेबिलिटी है। तो ये आर्थिक संकट जो है वो हमारे भारत के आसपास घूम रहा है, पहले श्रीलंका और पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि भारत इससे बच पाएगा? जी सर, जो हमारी वर्तमान में जो इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात हो
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, जो रुपए के अंदर जरूर कुछ अनस्टेबिलिटी आई है लेकिन वो भी हमारे कंट्रोल में है, हमारी ग्रोथ रेट भी वर्तमान में अच्छी है और यहाँ के अंदर भारत में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी वर्तमान समय में है, जैसे FDI अपने उच्चतम स्तर पर है, इम्पोर्ट भी हमारा कम हो रहा है, धीरे धीरे हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और भारत सरकार की जो दूसरी सारी और स्कीम है उनके माध्यम से न केवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है बल्कि जो इन्वेस्टर है उनके अंदर एक विश्वास भी उत्पन्न हो रहा है। रिसेंटली मेलबर्न में खालिस्तान के ऊपर रेफरेंडम कराया गया है। यस, ये सेपरेटिज्म सेसेशनिज्म बढ़ रहा है आजकल, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? सर जैसे मेलबर्न में जो सिख फॉर जस्टिस जिस ऑर्गेनाइजेशन को भारत ने प्रतिबंधित कर रखा है उन्होंने वहाँ पर रेफरेंडम करवाया था, इसके सर एक तो कुछ ऑर्गेनाइजेशनों के एजेंडा भी हो सकते हैं, वो लोगों के अंदर जो कट्टरपंथी की भावना है उसको फैलाना, कुछ इसके अंदर जो धार्मिक विचारधारा है वो भी इसके माध्यम से जुड़ी रहती है और कई बार जो कट्टरपंथी है, आतंकवाद है और संगठित अपराध है, इन सब का एक गठजोड़ बन जाता है जो अपनी धार्मिक भावना हो, आर्थिक हित हो, इन सब के माध्यम से ये जो इस टाइप की जो एक्टिविटी है ये बढ़ती है। बिल्कुल राइट, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सर इसके लिए हमें वैश्विक स्तर पर सर एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होगी, जैसे यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, UN से है या फिर जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वो सब जैसे भारत ने जो CCIT का प्रपोजल आतंकवाद के संबंध में दिया था उसके ऊपर कार्रवाई करे, अलग अलग देशों में इस प्रकार के कोई संगठन वो काम कर रहे हो जो एक देश ने आतंकवादी गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधित किए हो तो उनके ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करे, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी सिख फॉर जस्टिस के ऊपर कार्रवाई करने का जो भारत ने सुझाव दिया था उसको माना है और बोला है कि अगर इस प्रकार की कोई हिंसा यहाँ पर फैलाता है तो उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करेंगे, ऐसे ही जो दूसरे कंट्री है उनको इस प्रकार के मामलों में सपोर्ट नहीं करना चाहिए और अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको प्रतिबंधित करना चाहिए। और ये जो लिंकेज है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में और टेररिज्म में, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? सर जी सर, सर इनको भी सर बिल्कुल तोड़ने के लिए हमें पहला सर ये इंटरनेट के माध्यम से आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो इंटरनेट पर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है या फिर मशीन लर्निंग है, इनके माध्यम से हम उनको रोक सकते हैं। एक इनकी जो फंडिंग होती है तो आजकल क्रिप्टो करेंसी में इनकी फंडिंग हो रही है तो वैश्विक स्तर पर इस पर कंसेंसस बने कि इनकी हम फंडिंग ना हो। इसके साथ ही सर जैसे बॉर्डर पार आतंकवाद होता है या फिर जो मादक पदार्थ है उनकी तस्करी होती है तो इन सब को रोकने के लिए जो बॉर्डर रोड जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी सर मजबूत करने की जरूरत है और जो हमारे जो कानून है वो कानून बेहतर ढंग से लागू हो और सारी जो मल्टीलेटरल एजेंसी है और सारे देश है सभी एक साथ में लेके इनके ऊपर काम करेंगे तभी सर इनके लिंकेज को हम तोड़ सकते हैं। ये जो स्मगलिंग ड्रोन से हो रही है, यस सर, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर जैसे ड्रोन्स में सर मुख्य समस्या आती है कि जो रडार उसको कंट्रोल नहीं कर पाता या फिर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसके लिए हम एंटी ड्रोन जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे फेंसिंग कर सकते हैं, लेजर्स का हम उपयोग कर सकते हैं, फिर एंटी ड्रोन गन्स है उनका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही ड्रोन के संबंध में कुछ रेगुलेशन लगा सकते हैं कि ड्रोन को कितने एरिया में उपयोग करता है और जो टेक्नोलॉजी है उसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान वाली साइड पे हम कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? हम थोड़े यूज में लाए ना, तो यस सर बॉर्डर यस, तो उस पर हम कैसे प्रतिबंध लगाएंगे? सर ये बात सही है कि उधर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते लेकिन उसके लिए जो हमारा बॉर्डर की जो फेंसिंग है उसको सर हम मजबूत कर सकते हैं कि जो ड्रोन का अगर मूवमेंट हो तो तुरंत वो डिटेक्ट हो जाए और तुरंत फिर वो मैसेज जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर प्रदान कर दे और जो फिर इसके साथ ही हमारी जो एंटी ड्रोन गन है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाए और फिर उसको डिमोलिश कर दे। कौन सा कंट्री हेल्प कर सकता है इसमें कि ये टेक्नोलॉजी डेवलप करने? सर इसमें हमको इजराइल हेल्प कर सकता है और सर USA भी इसमें सर हमको हेल्प कर सकता है। आपने भी पुलिस ज्वाइन नहीं की है ना? कर लिए, IPS ज्वाइन कर चुके हो? ये सर ज्वाइन करने के बाद मैंने सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव ले लिया एक साल। ठीक है, ठीक है। नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या आता है? सर नक्सलवाद हमारे देश की एक आंतरिक समस्या है जो विशेष रूप से जल जंगल और जमीन जैसे मुद्दों को लेकर उत्पन्न हुई थी
इसकी जो विचारधारा है ये वामपंथी विचारधारा है, और सर जबकि जो आतंकवाद है एक वैश्विक समस्या है, और ये इसकी जो विचारधारा है ये धर्म के आधार पर है, और ये वैश्विक स्तर पर ये फिर जो देशों में चरमपंथ कट्टरपंथ इन सारे चीज़ों को बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है। इसके साथ ही सर जो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जो नक्सलवाद है, वो इसके अंदर जो आदिवासी लोग हैं, अपने समुदाय के लोग हैं, उनके माध्यम से जो विधि द्वारा स्थापित सरकार है उसको क्रांति के माध्यम से बदलना चाहता है, ताकि समाज के अंदर एक समानता उत्पन्न हो। हालांकि उनका ये रास्ता गलत है, असल आतंकवाद है, वो अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहता है कि अपनी वो विचारधारा को कितना स्तर तक बढ़ा सके, इसके लिए वो अपने कार्डर बनाता है, लोगों को ट्रेंड करता है और देशों के ऊपर आतंकवादी हमले करवाता है। तो किसको कंट्रोल करना आसान है, नक्सलवाद को या आतंकवाद? वैसे तो सर जो दोनों समस्या हो, कोई सर कंट्रोल करने में, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखे तो नक्सलवाद को कंट्रोल करना सर आसान है, क्योंकि वो हमारे देश की समस्या है। आतंकवाद को सर कंट्रोल करने में चुनौती थोड़ी इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि हम देश में तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे देशों के माध्यम से, जैसे पाकिस्तान के द्वारा सीमा पार आतंकवाद है, प्रॉक्सी आतंकवाद है, इन सबको बढ़ावा दिया जाता है। कुछ आइडिया है कि नक्सलवाद ने बम ब्लास्ट किए तो कितने लोग मरे होंगे, आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट किए तो कितने लोग मरे होंगे, ये कोई कंपैरिजन का कोई आइडिया है? सॉरी सर, इसके संबंध में सर डेटा की जानकारी अगर इसको नक्सलवाद को कंट्रोल करना आसान है तो अभी तक कर क्यों नहीं पाए? सर आसान सर इस संदर्भ में है कि वो हमारे देश की समस्या है, हमारे लोगों की ही समस्या है, तो इसको सर हम डेवलपमेंट एक्टिविटियों के माध्यम से और जो डिफेंस एक्टिविटी के माध्यम से, जैसे पुलिस के बल पे या फिर रिजर्व पुलिस के माध्यम से आसान से कर सकते हैं। हालांकि सर अभी तक इनको कंट्रोल ना कर पाने का कारण एक ये भी रहा है कि जो गुरिल्ला युद्ध वो करते हैं, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक वो चले जाते हैं, काफ़ी बार उनको आइडेंटिफाई करना पुलिस के लिए भी काफ़ी कठिन भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी वो हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के ही नागरिक हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि ये नक्सलवाद है या फिर स्थानीय नागरिक है। तो पुलिस अगर अपनी एक्सेस फोर्स का यूज करेगी तो फिर मानवाधिकार के मुद्दे हैं या फिर और सारे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये कुछ चुनौतियाँ इसमें उत्पन्न हो जाती हैं। हालांकि सर पिछले कुछ वर्षों में से जो नक्सलवाद की घटना है काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जैसे होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 25 जिले ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, और पहले जो 90 जिले इसमें टोटल ज़्यादा अफेक्टेड थे वो कम होके अब 47 हो गए सर, और मरने वालों की संख्या भी जैसे 2009-10 में लगभग 1500-1600 आदमी मरते थे हर साल में, जो लास्ट ईयर 2022 में केवल 150-200 के बीच में ही लोगों की जान गई सर। आतंकवादी सब विदेशी? जी सर, आतंकवादी सारे विदेशी नहीं है, कुछ आतंकवादी ऐसे भी होते हैं जो हमारे देश के अंदर ही आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर या फिर जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स हो या फिर कोई दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन हो, तो ये सब देश के भी हो सकते हैं और भारी भी हो सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी है, इंटरनेट है, इसका नक्सलाइट्स कैसे उपयोग करते हैं, नक्सलवादी उसका उपयोग कैसे करते हैं, करते हैं या नहीं करते? जी सर, सर जो इन तकनीकी का वो अपने जैसे फंडिंग लेने के लिए उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी बार ये आरोप भी लगे हैं कि चीन ने उनको जो इन तकनीकों के माध्यम से फंडिंग की है, अपने कैडरों को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सब का वो उपयोग कर लेते हैं। ये सारे सिस्टम एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए जो पुलिस इन तक पहुँच पाना भी काफ़ी कठिन होता है, इसलिए जैसे व्हाट्सएप कॉलिंग्स है, इन सारे चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। काफ़ी बार कोई एक्टिविटी या फिर उनको स्टाफ का साहित्य निकालना हो तो उनके लिए वो VPN का उपयोग कर लेते हैं, ताकि उनको IP एड्रेस है उसको ट्रेस ना किया जा सके। अगर इसका एविडेंस मिलता है तो इसको कोर्ट में कैसे अप्रिशिएट करेंगे? डिजिटल एविडेंस है, जब्त हुआ, जैसे कोर्ट में केस जाता है तो हम बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट है, ये आप मीना जी का लिखा हुआ है, इनकी हैंडराइटिंग है, ये है, इन्होंने किया था। जब डिजिटल एविडेंस जाता है तो
तो उसको कोर्ट में सिद्ध करने के लिए पुलिस को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे सिद्ध करते हैं कि डिजिटल एविडेंस है, उसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और कैसे कोर्ट अप्रिशिएट करेगा कि ये एविडेंस एडमिसिबल है, स्वीकार योग्य है। सर, जो पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो जो डिजिटल एविडेंस है उनको एकत्रित करती है और उसके बाद हमारे जो प्रोविजन से कानून प्रोविजन से है उसमें ये प्रावधान है, जैसे व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, तो उनसे हम डेटा एकत्रित कर सकते हैं। तो कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, उनकी लोकेशंस हो, या फिर उनके माध्यम से कोई दूसरे व्यक्ति को शेयर किया गया और सारा डेटा हो, तो उन डेटा को एकत्रित करने के बाद हम कोर्ट में उनको पेश करते हैं। इसके साथ हमें ये थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए कि इसमें कोई एक ऐसे व्यक्ति का डेटा शामिल ना हो जिसकी वजह से उसकी प्राइवेसी फिर निस्तार का ना हो। लेकिन ये बताओ, हम तो अगर अपने मोबाइल पे आपका नंबर सेव कर लें, आपका पैरेलल में भी व्हाट्सएप भी चला सकते हैं, हम आपके नाम का ईमेल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोर्ट को कैसे कहेंगे कि आपने किया है? कुछ तो होगा कि नहीं ये आप ही का है, किसी दूसरे का नहीं है, कुछ तो होगा तरीका। सर, उसके लिए जैसे आदमी की वॉइस को हम टेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और फॉरेंसिक के माध्यम से फिंगरप्रिंट्स के कुछ नमूने हैं उनको हम टेस्ट कर सकते हैं। या फिंगरप्रिंट्स का डिजिटल से क्या लेना देना? सर, जैसे आजकल जो फोन उपयोग होते हैं उनमें लॉक अनलॉक करने के लिए फिर खोलने के लिए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग होता है, तो उसके डेटा के माध्यम से हम ये कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अगर इसका उपयोग किया है। तो अगर फोन मिले जी सर, जिसके पास डेटा आ रहा है कि आप भेज रहे हो, यस सर, वो कैसे सिद्ध करेंगे कि आप भेज रहे हो? नेक्स्ट स्लाइड को फोन पे से पैसा आ रहा है, यस सर, फर्जी अकाउंट का पैसा आपके फोन पे से ट्रांसफर हो रहा है, कैसे सिद्ध करेंगे कि आप ही के फोन से गया है? और अगर गया भी है और उसका फोन भी जब्त हो गया, कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट कैसे मानेगा कि ये सही है? कुछ इसका एक तरीका होता है जब्त करने का कि क्या होती है, क्या क्या चीज़ें देखना पड़ती है, सुना? सॉरी सर, सुना। अभी शाहरुख खान के बेटे वाला केस जो हुआ था उसमें कोई चीज़ थी ना कि मोबाइल पे क्या चीज़ करना चाहिए जिससे कोर्ट उसको अप्रिशिएट करे, कोर्ट में एडमिट हो। सॉरी, बनारस BHU में पढ़े हुए जी सर, मालवीय जी ने बनाई थी, यस सर, मालवीय जी ने क्यों बनाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? सर, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने का उद्देश्य मालवीय जी का ये था कि जो भारतीय विषय है उनको हम और अधिक प्रमोट कर सके, क्योंकि जो 1916 और 1920 के दशक में जो अंग्रेजी विषय थे, जो अंग्रेजी सब्जेक्ट थी, उनको काफ़ी अधिक प्रमोट किया जा रहा था, इसलिए भारतीय भाषाओं में विद्यार्थी अधिक पढ़ सके और शिक्षा के स्तर को और हम और सुधार सके, इस वजह से सर उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। लेकिन BHU का तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था, अब जाके हिंदी हुआ है कुछ कुछ जगह पे, लेकिन वहाँ तो साइंस, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाया गया, हिंदी में नहीं पढ़ाया गया। सर सॉरी सर, इस संबंध में तो सर मुझे जानकारी नहीं है कि उनको, लेकिन सर मेन उनका उद्देश्य ये था कि जो भारत के जो लोग हैं अपने स्थानीय विषयों के अंदर और ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके, जैसे कुछ हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई धार्मिक विषय हो, संस्कृत की शिक्षा हो, या फिर वैदिक ज्ञान हो, ये सब भी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनको मिल सके। तो क्या BHU इसके लिए कभी जाना गया? अगर इस उद्देश्य से मालवीय जी ने बनाया था, BHU क्या इस उद्देश्य से कभी जाना गया कि हिंदी भाषाओं को प्रमोट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, वेद की रिसर्च करने के लिए, वेद के ग्रंथों को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा बड़ा काम किया BHU ने जिससे मालवीय जी की आत्मा खुश होती? कि उनका जिस उद्देश्य से मालवीय जी ने बनाया वो सफल हुआ क्या? BHU तो आपके नाम से जाना जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है, मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, वेद के नाम से और संस्कृत के नाम से तो कभी नहीं जाना गया। ये सर ऐसा नहीं है कि सर उसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल है, यही सब विषय पढ़ाए जाते हैं। सर वर्तमान में BHU के अंतर्गत 6 इंस्टीट्यूट है और लगभग 14 डिपार्टमेंट है, और उसके अलावा फैकल्टी लगभग 150 से भी ज़्यादा है,
यहाँ पे सर संस्कृत शिक्षा भी काफी बड़े स्तर पर दी जाती है और हमारी जो कला संस्कृति इनको संरक्षित करने के लिए जो एशिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल म्यूजियम सर भारत कला भवन वो भी सर BHU के अंदर स्थित है। तो सर इनके माध्यम से उन्होंने हमारी जो पुरानी विरासत है उनको अभी संरक्षित भी किया हुआ है और उनको आगे बढ़ावा भी सर दिया जा रहा है। इस संबंध में सर जैसे अनेक प्रोफेसरों के द्वारा भी अभी कुछ रिसर्च भी की जा रही है। BHU में कुछ अच्छी रिसर्च बताएंगे जिससे BHU जाना जाता है, कौन कौन साइंटिस्ट के नाम पे, उन रिसर्चर के नाम पे, बड़े बड़े नाम BHU से निकले जानते हैं। सर जैसे BHU के सर पूर्व कुलपति थे डॉक्टर लालजी सिंह जी उन्होंने सर जो BHU टेक्नोलॉजी थी उसके संबंध में काम किया था और सर वर्तमान में अभी IIT BHU के एक प्रोफेसर है, उन्होंने एक ग्रीन हाइड्रोजन का एक प्रोटोटाइप बनाया है, उसके माध्यम से हम जो खेतों के अंदर जो पराली होती है उससे भी सर ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। इसके साथ सर जो गंगा नदी है उसकी सफाई करने के लिए हम किस तरीके से इनवायर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी प्रमोट कर सकते हैं ये भी सर अभी BHU ने बनाया है। और सर अभी तक सर इतना ही आता है, साइंस पे आ गए ना। सर वो मालवीय जी ने BHU बनाया था रिसर्च के लिए, इंटरनेशनल रिसर्च के लिए, लीडरशिप देने के लिए देश को। बनारस के पास सारनाथ है, बनारस में दो तीन यूनिवर्सिटी, अब तो खैर छोटी छोटी प्राइवेट भी होगी, सरकारी तीन यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी? सर एक तो जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, एक काशी विद्यापीठ है और सर थर्ड एक संस्कृत यूनिवर्सिटी भी। सर क्या नाम है संस्कृत यूनिवर्सिटी? सर नाम तो सर मुझे याद नहीं कर पा रहा लेकिन संस्कृत यूनिवर्सिटी। और कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से साइट्स हैं? यस सर, जैसे सारनाथ के अंतर्गत बौद्ध साइट है और अभी जो काशी धाम था जो काशी कॉरिडोर भी बना है, गंगा नदी के किनारे जो अभी एक टेंट सिटी का भी निर्माण हुआ है, इसके साथ ही जो गंगा के जो घाट से हैं और इसके साथ जैसे भारत कला भवन है, संकट मोचन मंदिर है, भारत माता मंदिर है, इस टाइप के भी वहाँ जो धार्मिक और जो पारंपरिक स्थल है। सारनाथ क्यों इम्पोर्टेंट, क्या है सारनाथ में ऐसा? सर भगवान बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, वो सर सारनाथ के अंतर्गत ही दिया था, तो इस वजह से सर उसका जो बौद्ध धर्म के अंदर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। इसके साथ ही हमारा जो प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ वो भी सर जो सारनाथ के अंतर्गत है और धमेक स्तूप जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी सर वो भी वहीं पर स्थित है। मेरा इसी से लगा प्रश्न कि आपने सारनाथ के बारे में बताया, विदिशा और बोधगया क्यों फेमस है, क्या क्यों प्रसिद्ध है? सर बोधगया में तो जो भगवान बौद्ध जी थे उनको जो बौद्ध की प्राप्ति हुई थी, सॉरी सर विदिशा का सर सपोज कीजिए कि आप दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक हैं, दंतेवाड़ा आपको ही पता नक्सल एरिया है, आपके एक जूनियर अधिकारी का अपहरण कर लिया जाता है, वो 5 प्राथमिक कार्य क्या करेंगे जिससे कि आप उनका रेस्क्यू करा सके? सबसे पहले सर मैं जो जिस नक्सल संगठन ने किए हैं उनके मैं लीडर से सीधा कम्युनिकेशन करूंगा कि आपके द्वारा जो ये कार्य किया गया है ये कार्य गलत है। सेकंड सर मैं वहां कोशिश करूंगा कि थोड़ी फोर्स वहां डिप्लॉयमेंट हो ताकि अगर वो उसको नहीं छोड़े तो हम किसी भी तरीके से उसको वहां से रेस्क्यू कर सके। इसके साथ ही सर जैसे कुछ मेरे जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी मैं इस संबंध में इन्फॉर्म करूंगा ताकि वहां पर सुरक्षात्मक दृष्टि से और फोर्स हो और अगर उसको कार्रवाई करने की जरूरत हो, क्योंकि मेरी एक जिम्मेदारी ये भी है कि अपने जो जूनियर अधिकारी है उसको मैं वहां से रेस्क्यू कर सकूं। फोर्थ सर मैं जैसे कुछ गांव के जो स्थानीय लोग होते हैं उनके माध्यम से उनको परसुएशन करने की कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा जो ये तरीका अपनाया जा रहा है ये तरीका गलत है, आप इस तरीके को ना अपनाइए। काफ़ी बार जो
स्थानीय जो लोग होते हैं उनकी बात वो ज़्यादा भी सुनते हैं। अगर आप इस तरीके से अपहरण करोगे तो आपके ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी होगी और सरकार आपकी कोई मदद भी नहीं कर पाएगी। इसलिए अगर आप पे कुछ मुद्दे हैं तो उन मुद्दों को आप बैठ के बात करिए, ऐसे अपहरण इनको ना करिए। इस प्रकार से सर अपना सकते हैं। और सर जो लास्ट वाली स्टेप थी इसको सर मैं पहले करूँगा, बाकी सर उन स्टेपों को मैं आगे सर बनाऊँगा। रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है? यस सर, ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। जब कोई एक आर्थिक अपराधी देश छोड़ के भाग जाता है और उसको देश में आने की बहुत कम संभावना रहती है तो सीबीआई उनको बोलती है कि आप इस अधिकारी के विरोध में रेड कॉर्नर नोटिस जारी कीजिए। जो इस भारत में इंटरपोल की एजेंसी है सीबीआई, उसके बाद ये जारी किया जाता है। नॉर्मल पुलिस सिस्टम और कमिश्नरेट पुलिस सिस्टम में क्या अंतर पाते हैं? सर कमिश्नरेट जो पुलिस सिस्टम है उसमें जो पुलिस अधिकारी के पास कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर आ जाती है, जैसे सर वारंट जारी करना, सीआरपीसी 144 का उपयोग करना, कुछ लाइसेंस देना। इसके साथ साथ ही जैसे आर्म्स एक्ट है, गुंडा एक्ट है, या फिर जो एनिमल्स से रिलेटेड कुछ कानून है उनमें वो अपने शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। सर जो एसपी सिस्टम है उसमें जो पावर्स है वो जिला कलेक्टर और एसपी इन दोनों के बीच में विभाजित रहती है। जैसे सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वहाँ जिला अधिकारी के पास में होती है, जो वारंट जारी करना या फिर सीआरपीसी 144 जारी करना या फिर लाइसेंस जारी करना ये आईपी जिला अधिकारी के पास होता है, और लॉ एंड ऑर्डर संभालना का काम सर जो एसपी है उनका काम है। मेरा अंतिम प्रश्न, 144 धारा का एक आम आदमी के लिए क्या महत्व है, उससे क्या समझ सकते हैं? अगर आपने 144 धारा लागू कर दिया उसका मतलब क्या है? सर शांति भंग होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें चार या चार से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित ना हो। अगर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ये विश्वास होता है कि दो व्यक्ति भी शांति को भंग कर सकते हैं तो दो व्यक्ति के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। थैंक यू, आपका इंटरव्यू ओवर होता है, अब हम लोग आपके फीडबैक के लिए बताएं। I found you good, मतलब आपका नेपाल वाले आंसर में और ड्रोन वाले में थोड़ा मुझे लग रहा था जैसे आप नर्वस हो रहे हैं, शायद थोड़ा फेस एक्सप्रेशन से लग रहा था। नेपाल में आप एक इम्पॉर्टेंट सी कनेक्टिविटी वाला जो पॉइंट था वो मिस कर गए, हालांकि वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। थोड़ी नर्वसनेस लगी दोनों क्वेश्चन, बाकी हैंड पोस्चर आपका कंटिन्यूसली मुझे थोड़ा लगा कि जैसे किसी ने बताया हुआ है आपको, ना थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। रेस्ट सर विल टेल यू, देखो आपके पास एक जॉब ऑलरेडी है इसलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, हड़बड़ा नहीं रहे हैं। लेकिन उस कॉन्फिडेंस में आपकी प्रोसेसिंग थॉट जो थॉट प्रोसेसिंग है वो थोड़ी फास्ट हो रही है और आपके आंसर को थोड़ी गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जैसे नेक्सलिज्म और टेररिज्म में आपने स्क्रिप्ट पे कह दिया कि नक्सलवाद इंटरनल समस्या है, बाहर से कोई लेना देना नहीं है, जबकि लिट्टे का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा है नेक्सलिज्म को, इंटरनेशनल एजेंसीज की फंडिंग रही है, बहुत सारी PIUCL की और बहुत सारी लोगों के थ्रू नेक्सलिज्म की फंडिंग होती है। और आजकल तो कोई भी चीज़ ग्लोबल होती है, तो एक आपने फ्लैट कह दिया कि इंटरनल समस्या है, गली मोहल्ले की समस्या है, मतलब उस टाइप से, और एक इंटरनेशनल समस्या है, जबकि ऐसा नहीं। डिफरेंस जो मेजर है, टेररिज्म अर्बन टेररिज्म है, अर्बन आतंकवाद है, अर्बन फिनोमेना है। इससे लड़ने के लिए आपको फास्ट रिएक्शन चाहिए, तुरंत स्पॉट पे जाना, गाड़ी से जाना, उससे जाना। नेक्सलिज्म रूरल टेररिज्म है, दोनों टेररिज्म है, दोनों अनलॉफुल है। तो जब अगर अपने आप आंसर को ऑर्गेनाइज करते, भले ही आपने आईपीएस ज्वाइन नहीं किया अभी, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप अपने आंसर को ऑर्गेनाइज करेंगे इन लाइंस पे कि एक स्लो टेररिज्म है, एक फास्ट टेररिज्म है। नेक्सलिज्म में अगर कहीं घटना होगी तो आप दौड़ के भाग के नहीं जा सकते हैं, आपको पैदल जाना पड़ेगा, पगडंडी से जाना पड़ेगा, पहाड़ से जाना पड़ेगा। इनफैक्ट पगडंडी से भी नहीं जाके, और जो हाई टेंशन लाइन है या नाला है या टोपो स्ट्रीट है या गूगल है उसके थ्रू जाना पड़ेगा। एक दूसरा, नक्सलवाद में कमिटमेंट ज़्यादा है,
डिफरेंस। आतंकवाद में कोजी लाइफ पसंद है, वो आराम से होटल में रहेंगे, दारू पियेंगे, मस्ती करेंगे, सब करेंगे। नक्सलवाद में नहीं है। नक्सलवाद एक कॉज के लिए है इंटरनली। एक्सटर्नली तो वो भी एक्सट्रॉर्शनिस्ट हो गए हैं, करप्शन हर जगह आता है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उनमें भी जब पावर आई तो करप्ट हो गए, और वो भी इंटरनली विमेन का एक्सप्लॉयटेशन वो सब करने लगे। तो एक तो ये हुआ, दूसरा उनका फिर भी थोड़ा जस्टिफाइबल होता है ऑन पेपर, ऑन आइडियोलॉजी। नक्सलवाद इसमें नहीं, तो दिस यू शुड नो। आपने एकदम से धड़ धड़ आंसर देना शुरू किया, वो हो गया। दूसरा आपने जब सर ने पूछा कि कमिश्नरेट और डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में क्या अंतर है, तो आपने वारंट जारी करने से सीधे आ गए, मतलब यू जंप्ड। मेन चीज़ ये है एक अकाउंटेबिलिटी कि एक जगह डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी की दो की अकाउंटेबिलिटी होती है, एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है उसमें सिंगल हैंड्स में पावर, अच्छाइयाँ बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पुलिस ऑफिसर आप ऑलवेज सब कहोगे कि कमिश्नरेट अच्छी होती है, लेकिन जब जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी अपनी जगह खुश नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ बचा है। लेकिन ऑन पीस ऑफ पेपर एक जगह अकाउंटेबिलिटी और अथॉरिटी एक के हाथ में, एक जगह दो, तो दिस इज कॉल्ड डुअल कंट्रोल एंड दैट इज कॉल्ड सिंगल कंट्रोल। बाकी वारंट जारी करने की चीज़ नहीं होती है, प्रिवेंटिव सेक्शंस में ऑर्डर इशू करने की होती है। बहुत सारी जगह कुछ आर्म्स एक्ट के पावर है, कुछ जगह नहीं है, दे आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। एक तो नॉमिनेशन डिफरेंट होता है और दूसरा थोड़े से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पावर पुलिस ऑफिसर्स के पास जाते हैं। ये है, तो आपको मालूम था आंसर, लेकिन आपने जल्दी जल्दी में। दूसरा आपने 144 का कहा, इट इज़ नोन टू कॉमन मैन, पाँच या पाँच से अधिक होता है, चार नहीं होता है। आपको मालूम रहा होगा जब सर ने कहा कि 144 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वैसे इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगता है, आप मतलब प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, आपको कहा जाता है ये काम आप नहीं करेंगे। हाजी मस्तान के खिलाफ लगाया गया था कि आप आगरा से बाहर नहीं निकलेंगे, आगरा के अंदर, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लगता है, लेकिन जब क्राउड की बात होती है, पाँच और पाँच से ज़्यादा लोग एक साथ होकर, बिकॉज क्राउड की डेफिनेशन बन जाती है, 144 से कोई मतलब नहीं, वो क्राउड की डेफिनेशन बन जाती है, वो क्राउड फॉर्मेशन रोकते हैं, इसलिए पाँच की बात करते हैं, चार की बात लॉ में कहीं नहीं। बाकी बहुत अच्छा है, फास्ट रिप्लाई, थोड़ा प्रोसेस करके रिप्लाई दोगे, और आपको इस चीज़ का जवाब होना चाहिए कि पुलिस छोड़ के क्यों आईएएस में जा रहे, क्योंकि आपने ऑप्शन केवल आईएएस दिया है, फॉरेन सर्विस भी नहीं दिया है। तो उसके लिए यू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू आर वेरी गुड, योर टोटल प्रेजेंटेशन इज गुड, कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई, इट हैड टू बी, तो इसलिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आईपीएस में आईएएस बनना चाहता, शुभकामना है सब, इसलिए आपको ख्याल है आपको पुलिस और इन सब चीज़ पर काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। जो 144 की बात है, सामान्य हम लोग यही कहते हैं 144 लग गया मतलब पाँच से, यानी 144 में कुछ भी ऑर्डर पास किया जा सकता है कि मैं और पाँच का कंसेप्ट कहाँ से आया, वो सेक्शन 141 ऑफ सीआरपीसी पढ़ लेना, आप पढ़े होंगे तब आप समझिए कि पाँच क्यों आता है। तो है जनरल पब्लिक और आपके आंसर में फ़र्क होना, 144 पाँच का ही नहीं बोलता है, एक आने से बताया इन्होंने 141 पांच आदमी को अनलॉफुल असेंबली कराता है। ये सब चूंकि आप पुलिस के हैं इसलिए बहुत ध्यान की बात होगी, ये बड़ा क्रूशियल हो जाएगा। बाकी कोई ठिकाना नहीं क्या क्वेश्चन आए, जनरल क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ो, और बेस्ट विशेष अभी थी, आप कॉन्फिडेंट है आप अच्छा करेंगे। आपके जो क्वेश्चन सर ने तो बाकी हमारे जो फुल आंसर है उसको बता दिए। एक जो प्रश्न मैंने पूछा था कि पुलिस अधीक्षक है, तो मैंने आपसे पूछा पांच वैसे काम बताइए, वो प्राथमिकता आपकी तय होना चाहिए। पहले बार में ही आप उससे नहीं, आप अपने सुपीरियर को तो इन्फॉर्म किए ही नहीं, वो आप चौथे नंबर पे बोल रहे हैं। क्या पता आपके पास उतनी पुलिस फोर्स है कि नक्सल एरिया में जाके उसको रेस्क्यू करा पाए, या हो सकता उनका डिमांड क्या है, ये भी तो एक चीज़ हो सकता है। तो आपके लिए सबसे पहले आप अपने सीनियर को तो बोलेंगे, पूछेंगे ना पहले। आपने मैंने आपसे पूछा जब अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर, मतलब सर मैं कि सर एक मेरे अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि मैं भी तो पहले अपनी तरफ से कुछ एफर्ट करूं। मैं कह रहा हूं आप अधिकारी ऑलरेडी हैं। yes, आप क्यों सर, सर? मैं जी 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 जब अगर ऐसी घटना होती है, इसीलिए मैं नेक्सलिज्म और टेररिज्म बताया इसको, मैं सॉरी मैं एड्रेस, आई शुड हैव एड्रेस दिस। आपका रिप्लाई एक नॉर्मल क्राइम के हिसाब से था कि कोई आदमी चाकू पिस्तौल से 2 लाख रुपए लूट के ले गया,
जो उसके लिए रिएक्शन होना चाहिए आपने जो बताया वो था। नेक्सलिज्म बहुत ही डिफरेंट पुलिसिंग चाहिए होती है। नेक्स्ट लाइन कहीं दिखता इतना नहीं आपको कि आप बैठ कर नेगोशिएट करोगे कि अपनी डिमांड बता दो और हम ये कर लेंगे। आप नेक्स्ट लाइन के लिए सबसे पहली चीज यू हैव टू इन्फॉर्म योर सीनियर सुपीरियर सी पीयर गाइडेंस जो उनके पास है। देन कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस कि गए कहाँ हैं, सेकेंड थिंग कहाँ गए, यू डोंट हैव टू रश। फिर कॉन्टैक्ट कैसे इस्टेब्लिश हो, आप जाओगे मोर्चा लगा के बैठे हो सबको मार देंगे, आप जिस रास्ते से उनके मिलने जाओगे वो लैंडमाइन लगा के बैठे हैं पूरे को ब्लास्ट कर देंगे। ये एक टैक्टिक्स होती है, एक ट्रैप होती है कि एक को किडनैप करके ले गए और बाकी फोर्स मोबिलाइज हुआ उसको पूरे को उड़ा दिया। उनका उस एक में इंटरेस्ट नहीं है, उनका उस 40 मारने में इंटरेस्ट है। तो ये बहुत ही है लोकल एरिया में उनके छुपने के स्थान, उनके रहने के, उनके साथ खाना, उनके हार्बर के, बहुत लंबी चौड़ी कहानी इसकी होती है। आप इनकी पुलिस ट्रेनिंग पूरी होगी तो बहुत इसलिए इसको आगे कहिए सीनियर ऑफिसर्स को बता के इट्स डिफरेंट थिंग। ठीक है, जो आपने बताया बहुत अच्छा किया आपने, गैस किया कि अगर कोई लेके गया इसको अपराध को ऐसे पकड़ना है, बट नेक्स्ट रीजन इज टेररिज्म, ओके यू कैन डू इट, इट्स वेरी डिफरेंट। चलो पुलिस ऑफिसर हो इसलिए इन सब चीजों को पूछे जाएंगे, है ना, मेहनत करो, आपको उम्मीद है आप अच्छा करेंगे। हाँ, बाकी और आप में थोड़ा सा मतलब क्योंकि अब इनसे कुछ आपके अंदर सिलेक्शन पा ली है तो थोड़ा सीरियसनेस चेहरे पे है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप खड़े हो वॉर जोन में और आपके आंसर्स निकल रहे हैं, थोड़ा प्लेजेंट रहिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है आप आईएएस के लिए जा रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि अभी से आप मोर्चा संभाले हुए हैं, वो थोड़ा सा आपके चेहरे पे झलकना चाहिए। कोई स्माइल नहीं है, कोई आई मूवमेंट नहीं है, एकदम सिंपल सीधा क्वेश्चन आया फायर करना शुरू कर दिया, तो थोड़ा सा उसको पॉज लेके थोड़ा रिलैक्स हो ऐसे, ठीक है। बाकी ओवरऑल कॉन्फिडेंस मतलब बीइंग हिंदी में अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो अच्छा है, अभी तक तो हमने आज दूसरा या तीसरा कैंडिडेट था हिंदी में, बट उनके कंपैरिजन में तो आप बहुत ही मतलब बेहतरीन है उस हिसाब से, थोड़ा सा और आप अपने को इम्प्रूव करिए। ठीक है, ठीक है, जाइए, चलिए हम बेस्ट विशेष हमारे आप लोग के साथ है, थोड़ा रिलैक्स रहना और कोई बात नहीं है। एक मिनट बैठ जाओ।